अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें पता था सुमन और अंशुमन भैया साथ में, हमारी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तुम्हारे अंशुमन भैया सुमन के साथ नहीं है, बल्कि उस पत्नी के साथ मिलकर हमारी बच्ची को पालने वाले हैं, जिसने मोबाइल के चक्कर में हमारी बच्ची को गिरा दिया और जन्म देने वाली माँ बेहोश हो गई है। ये अच्छी माँ कैसे बन पाएगी? अरे दामाद जी, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, और ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती से उसकी जान आफत में जरूर डाल सकती है। अरे एक दिन बच्ची नहीं संभाल पाई है, पूरी परवरिश कैसे करेगी? सॉरी मिस्टर अंशुमन, लेकिन सौरभ जी की बात बिल्कुल सही है। पालने वाली माँ की केयरलेसनेस यहाँ पे साफ दिख रही है, तो मुझे ये फैसला सौरभ के फेवर में ही देना होगा। बच्ची की असली माँ मेडिकली अनफिट थी। ये क्या कह रही हैं आपको मालूम है ये आदमी कितना नीच है? ये कैसे पालेगा इस बच्ची को? अरे इसने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना दिया, वो मेरी भांजी को कैसे संभालेगा? बिग बी, आराम से बात कीजिए, वो मजिस्ट्रेट है, क्या कर रहे हैं? मैम, अभी तो ये बच्ची माँ के दूध पर निर्भर है। कानूनी रूप से हम इसे सौरभ जी उनके परिवार को नहीं सौंप सकते, तब तक जब तक ये दूध छोड़कर खाने पीने ना लग जाए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सुमन, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्ची की सुरक्षा, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मैम, अभी तो बस एक ही दिन गुजरा है, हमारे पास 14 दिन का समय है। हम है ना यहाँ पे, हम देखभाल करेंगे इस बच्ची की, देखेंगे कि मिस्टर अंशुमन झा और मिसेस संध्या इस बच्ची की जिम्मेदारी ले भी सकते हैं या नहीं। आप बस हम पर भरोसा रखिए, आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम इस बच्ची की जिम्मेदारी ले रही हो तो मैं उसे यहाँ छोड़ने की अनुमति देती हूँ। धन्यवाद मजिस्ट्रेट साहिबा। चलिए मिस्टर सौरभ। तुमने हमारे बच्ची को हमसे दूर जाने से बचा लिया, थैंक यू सुमन। आरती दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं, ये तो हमारा फर्ज था। छोटी सुमन की जिम्मेदारी है, बड़ी सुमन पर है। अब सही मायनों में बच्ची सुरक्षित हाथों में। सुमन, इस छोटी सी सुमन को प्रेम में रख सकती हो? जी, आ जाओ आराम से। अरे अब सुमन ऐसे नहीं, इसके पहिए में लॉक लगा है, जब तक से हम लॉक ओपन नहीं करेंगे तब तक से ये नहीं चल सकता, तो इससे पहले लॉक ओपन करना होगा। हाँ अच्छा, ये नहीं हो सकता, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या हुआ सुमन? कुछ नहीं आरती दीदी, हम बस वो प्रेम का लॉक देख रहे थे। आप जाइए आराम कीजिए, हम छोटी सुमन को अंशुमन जी के रूम में ले जाएंगे। ध्यान रख। आ गई बाबू पापा के कमरे में। अच्छा ये क्या कर दिया बाबू ने, अब पापा डांटेंगे ना? तो पापा डांटेंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, हम पापा को डबल डांटेंगे। उनसे कहेंगे कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जिंदगी में हंसते खेलते रहना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, अब
हमने देखा ही नहीं कि आप आ गए। हम तो बस बच्ची को छोड़ने आए थे, कमरे में कोई था नहीं इसलिए यहाँ रुक गए। अब आप संभालिए, हम चलते हैं। देखो सुमन, छोटी सुमन तुम्हारे साथ कितनी खुश है, तो सच कहूं तो ये तुम्हारे साथ ही सेफ रहेगी। सिर्फ 14 दिन के लिए, उसके बाद हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सुमन, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी फिर से रुक जाएगी। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती अंशुमन जी, जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं सुमन, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मेरी जिंदगी अभी भी वहीं ठहरी हुई है। मैं आज भी अपनी सुमन का इंतजार कर रहा हूं। जिंदगी तो हमारी भी ठहरी हुई है, लेकिन अब जाकर भी आपकी सुमन आपके पास नहीं आ सकती अंशुमन जी। अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं अंशुमन जी, अब आप इस बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचिए जिसकी आपने जिम्मेदारी ली है। क्या ये जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर नहीं उठा सकते? जिम्मेदारी साथ मिलकर निभाने में अब बहुत देर हो चुकी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जिंदगी में कुछ चीजें पीछे मुड़कर बदली नहीं जा सकती। मुझे तुमसे कुछ कहना है सुमन। हाथ छोड़िए हमारा अंशुमन जी, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए, हमें कुछ नहीं कहना है ना ही कुछ सुनना है। इन सब से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आपका हम पर कोई अधिकार नहीं। सुमन, सुमन, सुमन मेरी बात सुनो, सुमन। हम घर छोड़कर चले जाएंगे, अब आपका हम पर कोई अधिकार नहीं। अंशुमन जी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपको ऐसी सजा मत दीजिए, अब हम आपकी तकलीफों से जुड़ गए। अंशुमन जी, मैं ये फील कर रही हूँ कि आपके हाथ से सुमन का हाथ तो छूट गया है, पर उसका साथ नहीं छूटा।
शायद किस्मत में आपका और हमारा कनेक्शन लिखा था, या फिर कह सकते हैं कि भगवान जी ने हमारी आने वाली लाइफ में एक दूसरे का साथ लिखा। तभी तो देखिए ना, सुमन के आने में सिर्फ एक दिन की देरी हुई, और अगर वो देरी नहीं होती तो आज वो आपकी जिंदगी में होती, मैं नहीं। यही फर्क है कल और आज में। वो आपका कल थी और मैं आपकी आज। किस्मत की लकीरों को बदला जा सकता है, भाग्य को मिटाया जा सकता है, लेकिन दिल से धड़कन जुदा नहीं होती। और धड़कन के बिना जिंदगी कैसे? सुमन कल भी मेरी जिंदगी में थी, आज भी है। और ये बात तुम्हें कल भी पता थी और आज भी। नाना जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द आपसे मिलने आएंगे। अब आपकी सुमन आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। रखते हैं अपना ध्यान। रखिए, जिसकी मुस्कुराहट खुद गायब हो गई हो, वो किसी और के मुस्कुराने की वजह कैसे बन सकती है? हाँ सुमन, तुम्हें क्या लगता है, बहन जी को तुम्हारे इस छोटी मुस्कान के पीछे का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? छोड़ो ना नंदन, बीती बातों को कुरेदने से पुराने जख्म और हरे हो जाते हैं और फिर और तकलीफ देते हैं। तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, जो बीत गई सो बात गई। माना कि वो बेहद प्यारा था, पर हम ये सब क्या बोल रहे हैं। तुम जानते हो नंदन, जिस वक्त हमें ये पता चला था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, हम बहुत खुश हो गए थे। अब हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे कर सकती हो, वो भी बिग बी को छोड़कर? मैंने उनकी ठहरी हुई जिंदगी को बहुत करीब से देखा है सुमन। उनकी धड़कन सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पुकारती है, वो है सुमन। हाँ सुमन, सच यही है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। नंदन, धड़कन की गवाही पर आंखों देखा सच भारी पड़ गया है। वैसे तुम जानते हो, किसी को ये कह देना कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद की किस्मत जिंदगी को दो राह पर लाकर खड़ा कर देती है ना, फिर उसमें से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, कौन सा रास्ता चुनना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि तुम कह रहे हो, वो बस सुमन सुमन का नाम जपते थे, तो जब उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया, तब तुमने भी तो उन्हें नहीं रोका था ना। सुमन, मैं मैंने सुमन, वक्त और हालात किसी के लिए नहीं रोकते सुमन। अरे अरे अरे, बच्ची ऐसे क्या कर रही है छोटे पापा के गोद में? सोई है। घूमने नहीं जाएंगी, छोटे पापा के साथ जाएंगी। ठीक है नंदन जी, चलिए हम बच्ची को घुमा के लाते हैं। बताइए सुमन, जब आप अंशुमन जी की जिंदगी से चली गई थी तो क्या मेरी गलती थी? और जब आप अंशुमन जी की जिंदगी में वापस आ गई है तो क्या मेरी गलती है? जब अंशुमन जी ने मुझसे मेरा साथ मांगा तो मैंने उन्हें हाँ कर दी, क्या इसमें भी मेरी गलती थी? बताइए। सच तो सच ये, है ना, ये सुमन, है ना सुमन, कि आप कि उनका बीता हुआ कल है, कल है। मैं उनका आज।
भगवान साक्षी है संध्या, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। भगवान जी के सामने झूठ मत बोलिए सुमन, ना मुझसे और ना अपने आप से। संध्या बहू, कोई जरूरत नहीं है तुमको इस लड़की के सामने विनती करने की। काहे कि इसका यहाँ से निकलने का समय आ गया है। पांडे जी, आपने क्या किया? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम इस घर से चले गए तो इस घर में दिक्कत हो सकती है। अरे सबसे बड़ा दिक्कत तुम हो, निकले यहाँ से। बड़ी माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत आतंकी हो गया इस लड़की का, सब लोग आग में पट्टी बांधकर अंधे हो गए, लेकिन हमको सब दिख रहा है कि लड़की यहाँ पर क्यों आई है। आपको जो समझना है समझ लीजिए बड़ी माँ, लेकिन साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि सुमन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिग्बी, सुमन कहीं नहीं जाएगी। सुमन का इस घर में रहने का अधिकार पूरा है। दीदी, जिसकी किस्मत खुद उससे रूठी हुई हो, वो आपकी आंखों में किरकिरी क्यों बनी हुई है दीदी? अरे सुमन हमारे सामने खड़ी है, जिंदा खड़ी है, हमें तो खुश होना चाहिए। आप एक हर समय इसे ताने देती रहती है, इसे नाराज होती रहती है दीदी, क्यों? अरे ईटा से माथा फोड़ के मर जाएंगे हम तो, जो इसके पक्ष में किसी और ने एक भी सब कहा तो। तरह सारे ने सबको इस पर, तो हमारे एक सवाल का जवाब दो, हमको ये बताओ कि लड़की किस अधिकार से घर में आई है, बोलो। हम उस बच्ची की ऑब्जर्वर है। ये बात आपको कितनी बार बतानी और समझानी पड़ेगी आंटी जी। हम मानवता के अधिकार से हैं इस घर में, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देख लो सब लोग इस मानवता की देवी को, अब सुन भी लो अच्छे से, और चाहो तो लिख लो ताकि भुला ना दो बाद में। ये लड़की यहाँ अपना नौकरी करने आई है, और उसका ड्यूटी है 14 दिन का, उसके बाद ये लड़की इस घर से चली जाएगी। याद रहे सबको, चली जाएगी। मुझे कुछ नहीं समझना है सुमन, मेरी पास्ट पास्ट है। पास्ट है। पीता हुआ कर। अंशुमन जी की आज हमारे आंखों के सामने खड़ी है। आज और कल की बात क्या करें दीदी, सुमन भी इस घर की बहू है, ये घर सुमन का भी है, समझिए ना दीदी। ये जाएगी तो जाएगी कहां यहां से? वहीं जहां सुमन ने 1 साल बिताया है। पिछले 1 साल से हमने सुमन के साथ हर पल जिया है, वो हमारे परिवार की एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। बेटा, हम भी तो तुम्हारी माँ ही हैं। अब हमारी सुमन से कोई नहीं पूछेगा कि वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो रहेगी हमारे साथ, हमारे घर। और हम रखेंगे इसे अपनी पलकों की छांव में। हम मुहिम आ रहे हैं, डॉक्टर राजीव की मां। हमने सुमन को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखा है, और आज हम आए हैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुमन, तुम तो दीदी को जानती हो ना,
उनके स्वभाव से परिचित हो बेटा, दीदी की बात का बुरा मत मानो, मत जाओ हमें छोड़ के। ये तुम्हारा ही घर है इसमें, राय बहादुर खानदान की बहू सुमन का घर। हमारी बेटी सुमन का घर है ये? नहीं। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें डॉक्टर राजीव ने अपॉइंट किया है, हम इनकी एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय को वो जहाँ नौकरी करती है वहाँ रात में नहीं रुकना चाहिए। चलिए